आ जाइए, पी लीजिए मेरे साथ चाय। देखिए, आप ये सोचोगे कि 2 कप में चाय अकेली पीने वाली, लेकिन ये जो हमारी ना भाभी हैं, बस वही हो जाए ना कि कैमरे के सामने नहीं आते, शर्म आती है। तो मैं कहने लगी चलिए कोई बात नहीं, तो अब हम पियेंगे चाय। बिल्कुल सिंपल सी, मैं तो कर चुकी थी नाश्ता। मैंने कहा चलिए ज़रा सी आप भी पी लीजिए, आपके साथ मैं भी ले लूँगी चाय। तो बस अब हम पी लेते हैं चाय, फिर मिलेंगे उसके बाद में आप लोगों से। बस यही है, सुबह से अपना लगे रहो काम में। कुरान शरीफ पढ़ा, तस्बीह पढ़ी, नाश्ता फिर बाद में किया था, फिर अभी आ गई तो इनके सामने। मैंने कहा चलो थोड़ी सी चाय ले लो, ठंड हो रही है वैसे भी आज तो अब मैं भी पी लूँगी, फिर लग जाऊँगी अपने डेली के कामों में। आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ, तो चलिए फिर मिलेंगे। देखेगा आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। तो मैंने सब्जी कट कर ली और कुकर रख दिया मैंने गैस पर, इसमें डाल दिया मैंने मस्टर्ड ऑयल, और बस आज मैं बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्जी। और क्या कहते, मैंने गूंद लिया, ये गूंद गया मेरा आटा भी, और बस अब मैं जल्दी जल्दी। देखेगा आलू बैंगन की सब्जी बन के हो गई तैयार, और बस अब मैं बनाऊंगी रोटी, देखो कितनी अच्छी बनी। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो देखो मैंने ना नहा ली धो ली, सब काम कर दिया, कपड़े भी धो लिए, अब कपड़े फैलाने जा रही हूँ मैं, और फिर इसके बाद में करूँगी मैं और काम। कपड़े भी मेरे धुल गए सुबह से, अब बज गए 12:15 बज रहा है ना, बस सुबह से लगी हुई हूँ एक साथ। तो क्या कहते हैं, अब मैं ये वाला काम करने के बाद में बस फिर अपना खाने में लग जाऊँगी। और बस छोटा सा दिन हो रहा काम, नाम तो है कि 2-3 ही आदमी है, लेकिन काम इतना करना पड़े कि टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। बस देखो अब कपड़े वपड़े इतने ऊपर से फैला के आऊँगी, फिर इतने ना पौन बच जाएगा, क्योंकि ऊपर के भी कमरे का कुछ थोड़ा बहुत संगवाने का काम रहे, तो बस पौन बच जाएगा, फिर उसके बाद में आके खाने का देखूँगी सिलसिला क्या है। सब्ज़ी जो भी बना रही वही बच रही, क्योंकि खाते नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है इनको कि खा ही नहीं रहा है, बहुत ही कम खाना खा रहा है। मैं कहती हूँ तुम जो खाना भेजूँ सारा बच के ही आ रहा, या वहाँ किसी को खिला दें अपने साथ, बस पता नहीं, बताते तो कुछ है नहीं। तो चलिए कपड़े फैलाते हैं, वहीं मिलेंगे ऊपर ही आपसे। पी लेते हैं चाय, देखो आ जाओ पी लो मेरे साथ चाय, थोड़ा लेट ही हो गया 4 के चक्कर में, बस पहले मैं चाय पी लूँ फिर जाऊँगी भैया के घर। तो हम आए शोरूम पे ये लेने, आए शोरूम पे हथौला लेने के लिए। देखो हमारे शोरूम पे खटोला लेना था हमें, देखो कितना अच्छा शोरूम है, ये हमारे बगरे में ही है। देखो ये लकड़ी की भी अलमारी है, मैं कह रही थी, मैंने कहा लकड़ी की अलमारी हम इनको भेजूंगी, अगर उनको पसंद आ गई तो फिर ये ले लेंगे हम। देखो कितना अच्छा शोरूम है, बहुत बड़ा शोरूम है, सब चीज़ मिलती है यहाँ पे, कुछ भी ले लो। जहाँ हम शोरूम पे गए थे ना, तो वहाँ से लेके आया हम ये वाला खटोला, देखो ये खटोला लेके आई हूँ मैं। मैं ऊपर बैठती हूँ ना, तो नीचे से मेरे से उठा नहीं जाता जब से मेरे चोट लगी, तो मैं ना इसको वहाँ डाल लूँगी ऊपर, और बस अपना आराम से इसको बैठ जाया करूँगी। कितना प्यारा खटोला, ऊपर बिछा के दिखाऊँगी आप लोगों को।